आज सनातन हिंदू वाहिनी की एक बैठक कालकाजी मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत ने की। इस बैठक को उमा शंकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरडी शर्मा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सोमेश भारद्वाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, मान प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुनील वशिष्ठ मीडिया प्रभारी, राम रतन प्रदेश अध्यक्ष, वैष्णव डॉली चौहान हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आदि ने संबोधित किया। इस बैठक में सनातन हिंदू वाहिनी को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए विचार किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। कल्पना जी जोरदार ताली से, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत बुला जी आज जो जी सुपर फास्ट न्यूज चैनल से हैं। किसी कार्यकर्ता को दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनका नंबर ले जाना और इनसे आपने संपर्क करना है। श्री आर डी शर्मा जी मार्गदर्शक, आदरणीय मार्गदर्शक वो आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे राष्ट्रीय संरक्षक एवं गुरु की गद्दी पर विराजमान हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हुए परम सदीय श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन देने की धारायों से अनुमति चाहता हूं आगे का कार्यक्रम चलाने के लिए। आदेश अनुसार जो हमारे विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न प्रदेशों से हमारे बीच में कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमने बहुत ज्यादा कड़ी में ना बढ़ाकर सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री को बुलाया है। कार्यक्रम तो बड़ा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर जी का आदेश था कि सिर्फ दो लोग आएंगे, अध्यक्ष और महामंत्री। तो अभी कुछ लोग हमारे दोस्तों से रहे हैं, हरियाणा से अभी हरियाणा पहुंचने वाले। और सबसे पहले गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और सनातन धर्म की और पूरे हिंदुस्तान से कहूँ या चार पांच प्रदेशों जो जो हमारे बीच आए हैं लोग सबका स्वागत है दिल्ली में, सबका स्वागत करता हूँ दिल्ली में अपनी तरफ से। और गुरु जी के आशीर्वाद से कंटिन्यू कार्यक्रम दिल्ली में हम लोग करते रहते हैं। अभी 6 दिसंबर बीच में मेरे बड़े भाई माननीय सुभाष जी से निवेदन करूंगा मार्गदर्शन करें और संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमारे से मार्गदर्शन सुभाष जी लगभग 6 महीने हो गए आपको और मेरे हिसाब से लगभग 10 प्रोग्राम कर चुके हैं बिना यूनिट के, बिना संगठन के, बिना कार्यकर्ताओं के। एक कार्यक्रम भी समस्याओं के होना बड़ा मुश्किल है। अब एक चर्चा हमारे गुरु जी की इस बात को लेकर होती है कि भाई आदमी जो है ना कि कुछ समय जोड़ते हैं वो भाजपा में निकल जाते हैं। हमारे तो कार्यकर्ता बुद्धि जी भी प्रकोष्ठ बनाया भी, कुछ हमारे प्रदेश महामंत्री उसमें चले गए, विजय कौशल जी चले गए हमारे। तो हमें इस बात से कभी कोई टीका टुकड़े नहीं है कि कौन किस पार्टी में जा रहा है, सपोर्ट जहाँ मिले वहां जाना चाहिए। लेकिन देखो दोनों जगह तालमेल, आरडी सामाजिक से मेरी चर्चा होती आ रही थी, कामयाब व्यक्ति वही है, अगर राजनीति करनी है तो सामाजिक तो होना ही पड़ेगा। और सामाजिक होने के नाते अब हमें एक और भी जिम्मेदारी है कि हमें हिंदू संगठनों को भी साथ लेके चलना होगा, ये समय की मांग है। बहुत ही बखूबी निभाऊंगा और आशीर्वाद चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे गुरु जी इस सक्षम बनूं कि संगठन को दिल्ली से भी मैं आगे ले जाऊं। पूरे हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में अपने मैं अभी फिलहाल तो यही कहूंगा कि मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कह सकूं कि दिल्ली से आगे है मेरा उत्तर प्रदेश। अच्छी बात है, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए और सुभाष सिंह बड़े भाई और भाषण इनका आशीर्वाद चाहिए और कोशिश ये है कि मैं बहुत ज्यादा आगे लेके जाऊँ। हमारे जो परम आदरणीय है गुरु जी, इनसे मैं 5 साल पहले मिली थी और 5 साल पहले मिलके मैं यही की हो गई और मुझे सुरेश शर्मा जी ने इनसे मिलवाया था सुंदर जी ने, और मैं यही कहूंगी कि यूं ही मर्तबा हमें अब कुछ हासिल ना होगा, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होगा। ये हिंदू वाहिनी की एक शपथ मैं लेके गई थी यहाँ से, एनजी टीवी में मैंने जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जब लकड़ियों के प्रदूषण के वो थे कि शव को ऐसे न जलाया जाए, लेकिन जो आज मेरी पीड़ा है, मैं खुद भी राजस्थान से बांदीपुर से बिलोंग करती हूँ, जयपुर में आना जाना रहता है, तो अभी भाई ने जैसे कहा कि हमें इधर उधर काउंसलिंग करनी चाहिए, पर हमारे हिंदू धर्म में भी ये होगा कि घर का चौकी जोगना बाहर का चौकी सीधे, घर के आदमी की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन बाहर का कोई आता है काउंसलिंग करता है तो वो हमें मस्त लगती है। ऐसा ही कुछ वीडियो मेरे पास अश्लील वीडियो आई, हमारे देवी देवताओं के प्रति जिन्होंने इतना अत्याचार वो कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हिंदू वाहिनी ही एक ऐसी संस्था है जो हमें हिंदुओं से बचाएगी, जो हमें जो राक्षस पैदा हो गए हैं, जो खुद हिंदू ही राक्षस पैदा हो गए हैं, ये देखिए वो हिंदू है, और हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को मैंने शर्मा जी को पोस्ट की है, वो मेल की है, और मैंने अपने SHO साहब से प्रार्थना की है कि या तो इन पे कार्रवाई करे अन्यथा फिर मैं इन सबको कोर्ट लेके जाऊंगी। अब उन्होंने उनमें से एक शख्स ऐसा है जो रामदेव, जिसको रामदेव कहते हैं, रामदेव ने ही एक पोस्ट ऐसे डाली है कि क्या भगवान क्या वो, मैंने भी उनको बड़ा जवाब दिया कि मैंने कहा भूल गए बाबा रामदेव, आपका जरूर से ज्यादा कोटा भर गया, इसलिए आपको ये सब बातें नजर आ रही हैं, हिंदू धर्म की बातें अब नजर नहीं आ रही, तो सब संगठित रहे, एकता से रहे, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। और गुरु जी मैं आपसे सिर्फ यही पीस लेके आई हूँ कि जो ये ऐसी पोस्ट आती है कि एक एक जब तक जबरदस्त एक प्रोग्राम नहीं होगा वो बात नहीं बन पाएगी, और ये प्रोग्राम जल्दी होना चाहिए। जय हिंद जय हिंद। गुरु जी चरणों में प्रणाम। आप सभी बहनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं सिर्फ दो ही शब्द कहना चाहूंगी, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष आए हमारे सुभाष जी का स्वागत करेंगे डोनर तालियों से, स्वागत के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन हमेशा सुभाष जी का लेते रहते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। आगे शर्मा जी, भारत माता की मिले आ रही है, अटल जी का भाषण होता है, उनका आशीर्वाद है हमारे गुरु जी का होगा, उससे पूर्व में क्योंकि हमने कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया है, कोई राज था उसके अंदर, क्योंकि हमारा गुरु जी का तो एक चर्चा पहले हुई थी कि भाई हमने पूरे प्रांगण को भरना है, लेकिन क्या है कि उसमें अधिक ना ही चर्चा नहीं हो पाती, और जब अधिक चर्चा नहीं होगी तो हम आज काम भी बेहतर नहीं कर सकते। अभी 14 तारीख में हमारी शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जो हमने आज तक प्रोग्राम रखा है, उस शोभा यात्रा में एक झांकी सनातन हिंदू युवा वाहिनी के लिए तैयार कराई जा रही है, उसके लिए हमें आपके युवाओं की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं गुरु जी को मैंने आश्वासन दिया है कि उस झांकी के साथ में हमारी 73 संख्या अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से उसमें टेम्पो में बैठ करके और पटका हमारे गले में डरा हुआ होगा। 14 तारीख को 11 बजे वो शोभा यात्रा शुरू होगी और 5 बजे उसमें समापन होगा, तो धमाकेदार माई के दरबार से हो तो बेहतर होगी, हमारे संगठन का जो धमक है वो बाहर तक जाएगी, तो शुरुआत बाबा जी मंदिर से ही होनी चाहिए। तो अगले 14 तारीख में संडे का दिन है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ आपको यहाँ पर आना है, और गुरु जी को तालियों के साथ अपना समर्थन है कि हमने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ 11 बजे से लेकर शाम तक ही रहना है।
देखिए धन्यवाद माइक की दरबार से जानी चाहिए, हम अपने क्षेत्र में प्रोग्राम करते रहे वो क्षेत्र प्रोग्राम हो जाता है, यहाँ राष्ट्रीय केंद्र कार्यालय भी है और माइक का दरबार भी है, गुरु जी का हमें आशीर्वाद और सानंद भी यहीं से मिलना है। परमेश की बात है कि सनातन हिंदू वाहिनी के आह्वान पर बहुत ही कम समय में हमारे चार पांच प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और अपने क्षेत्र में जो किए जाने वाले कार्य हमें जानकारी भी दी। इसके लिए विशेष रूप से क्योंकि संगठन की जान संगठन के मंत्री होते हैं हमें आईडी शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उसके बाद हमारे पुष्पेंद्र शर्मा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सोमेश शर्मा जी, मार्ग शंकर शर्मा जी सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे जो बाकी प्रदेश मंत्री संजय जी, सत्यकार जी, रामदन जी, प्रवीण जी, ये सभी जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से पधारे सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन। ये बंधु आप सजग जो है हिंदुत्व के बहुत ही सजग प्रहरी हो, योद्धा जो अपने अपने क्षेत्र में हिंदुत्व के संरक्षण के लिए अपने अपने क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उन बिंदुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वजह है कि जब जब भी खिलवाड़ होता है तो हमारे हिंदुओं के मान बिंदुओं से होता है, हमारे आस्था के केंद्रों को जो निशाना बनाया जाता है, इसका दायित्व तो हमारे शर्मा जी को हम सौंप रहे हैं। कार्य तो पहले भी कर रहे थे लेकिन जरा और जिम्मेदारी बढ़ गई है, और हम और मजबूत हो जाएंगे। आप सबका बात तो मुझे लगता है इस सांप्रदायिकता को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। जब कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है उसको सांप्रदायिक नहीं कहा जाता, जब कोई क्रिश्चियन या ईसाई ईसाइयत की बात करता है उसको सांप्रदायिक नहीं कहा जाता, लेकिन जिस क्षण हिंदू हिंदुत्व की बात करता है उस पर जो है सांप्रदायिकता की तोहमत जड़ दी जाती है। तो मुझे ये कहना है कि अगर अपने धर्म का पालन करना और उसका प्रचार प्रसार करना सांप्रदायिकता है तो मुझे अपनी सांप्रदायिकता पर गर्व है, क्योंकि मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं और उसका प्रचार प्रसार करूं। मैं केवल अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करता हूं। इसके पीछे निश्चित रूप से सोचा समझा षड्यंत्र है, क्योंकि अगर हिंदू बटेगा नहीं तो उसका धर्मांतरण नहीं होगा। हिंदुत्व के दो प्रबल शत्रु हैं, एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। ये दोनों ही हिंदुओं के कमज़ोर वर्ग को प्रलोभन के माध्यम से, भय के माध्यम से अपने संप्रदाय में अब जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें इनके प्रति सजग होना पड़ेगा और इनके षड्यंत्र को विफल करते हुए संगठित और सशक्त हिंदू समाज की रचना करनी है। सनातन हिंदू वाहिनी अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से अपने हिंदुओं को सजग करती है, उनको अपने साथ जोड़ती है और जहाँ जहाँ पर हिंदू हितों पर कुठाराघात होता है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती है और उसका विरोध करती है। आज का जो हमें विभिन्न प्रांतों से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री हमने बुलाए थे और संगठन को हमें कैसे बढ़ाया जाए, एक संगठन के नाते हम कैसे हर प्रत्येक घर तक जाया जाए, कैसे हमें क्या करना चाहिए, तो एक औपचारिकता बैठक आज रखी थी। तो आगे कार्यक्रम हमारे रहेंगे,
कार्यक्रम के हिसाब से देखते हैं हमें कितने आगे सफलता मिलती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे 4 से 5 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष और महामंत्री हमारे यहाँ अवगत थे, तो सभी से आश्वासन भी मिला है और उम्मीद भी है कि हम बड़ी जल्दी से आगे पूरे भारत में अपना गठन कर पाएंगे। और एक हिंदू के जो हमारा एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, और हिंदू को हम आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कहीं तक भी जाएंगे, किसी हिंदू का कहीं भी कोई शोषण नहीं होने देंगे, यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेके हम काम कर रहे हैं। सनातन हिंदू युवा वाहिनी का एक लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि हिंदू के साथ जो भी अनादर करेगा या जो उपयोगी नहीं होगा उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे, हमेशा हिंदू के लिए खड़े रहेंगे और हिंदू के लिए काम करेंगे। आज जो बैठक रखी गई थी, हमारे विभिन्न प्रदेशों से यहाँ अध्यक्ष और महामंत्री बुलवाए गए थे। एक ये इसलिए रखी गई थी कि हम लोग हिंदुत्व का विकास कैसे करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे उनके अंदर वो एक जागृति पैदा करें कि हर परिवार इस संगठन से जुड़े। हमारे माने सहदेय सम्राट माने गुरुजी ने अभी जैसे बताया अभी इंटरव्यू में कि हमारा लक्ष्य है कि जहाँ भी हमें देव देवताओं को लेकर उनकी खिलियाँ उगाई जाती हैं, उनको लेकर गुटकी और पान के ऊपर उनकी चित्र छाप दी जाती हैं, उसका बहिष्कार हम लोग करेंगे। उनको हमारा, क्योंकि भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुओं देव देवताओं को देश रहा है, इसलिए उनको मान सम्मान के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे गुरुजी का मेरे पर पूरा आशीर्वाद है। मुझे लगभग 10 साल इनके सानिध्य में रहते हुए काम करते हुए हो चुके हैं और हमने 10 साल से लगातार इसमें हम लोग दिल्ली प्रदेश में महासचिव के पद पर मैं कार्यरत हूँ और गुरुजी ने काफ़ी समय से इसकी चर्चा चला रखी थी। लेकिन मैं क्योंकि ये चाहता हूँ कि जो हिंदू जुड़े तो जुड़े, तोड़ने का काम मेरा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो भी संगठन से जुड़े एक बार जुड़ता रहे। मेरी भूमिका यही है कि युवाओं को साथ लेके हमें चलना है, संगठन को दिल्ली प्रदेश स्तर पर जितना मजबूत हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी और जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं आरडी शर्मा जी हैं, उस संगठन को बेहतर रूप से लेके चल रहे हैं। युवा साथ होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और युवा नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा आज दिल्ली प्रदेश बेहतर स्थिति में पुष्पेंद्र जी के माध्यम से बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है सामाजिक स्तर पर भी, और एक हिंदू वाहिनी होने के नाते हिंदुओं के हित की बात कर रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं पूरी आज एक अच्छी शुरुआत आज से होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।